फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना का टाइम चल रहा है और बहुत सारे डिसीज हुए हैं, तो उम्मीद करते हो आप अपने घर में रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। मैं आज अपने होम टाउन आई हुई हूँ जबलपुर, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं कोई अच्छी जगह घूम लूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो जबलपुर से है, जो जबलपुर से नहीं है, तो जो जबलपुर से उनको तो वर्गी के बारे में पता होगा, लेकिन जो जबलपुर से नहीं है, मैं आज उनको वर्गी घुमाना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज फैमिली के साथ प्लान किया जाए कि वर्गी देखते हैं। वर्गी नाम सुनते ही बहुत अच्छी प्लेस है, बहुत अच्छी जगह है, आप ज़रूर घूमें। मैं आपको आज घुमाऊँगी, आप मेरा वीडियो देखेंगे ना, तो आप खुद ही फिर आपको लगेगा कि मैं भी घूमने चलता हूँ वर्गी। ठीक है, तो मैं आपको आज वर्गी घुमाती हूँ। कैसे जाना है आपको? अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पर डिलाइट टॉकीज के पास। डिलाइट टॉकीज से आपको कैसे जाना है मैं आपको रास्ता भी बताऊँगी। तो चलिए वर्गी चलते हैं, आप भी घूमिए, आप मेरे ब्लॉग को लास्ट तक देखिए। मैं आपको अपने ब्लॉग्स में वो सारी चीज़ें दिखाऊँगी, वर्गी में कैसे हम एंटर करते हैं, हम क्या करेंगे, क्या कहाँ घूमें, क्या कॉस्ट है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। इसके लिए आपको मेरा ब्लॉग लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आप मेरा ब्लॉग लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए हम वर्गी चलते हैं। लाइट टॉपिक से चले थे, अब हम पहुंच गए हैं पेंटीना का। हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, जो जबलपुर का आर्मी का बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है। तो हम यहां से अब क्रॉस कर रहे हैं मिलिट्री हॉस्पिटल से। गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहां साइड में छोटे छोटे शॉप्स लगते हैं, मार्केट लगता है। तो मेरे हिसाब से तो जबलपुर ठीक है, मतलब ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा आपको यहाँ रहना। मैं आपको ये भी फ्रैंकली एज अ फ्रेंड मैं ये बता सकती हूँ कि आपको यहाँ रहना कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। जैसे बाहर के लोग ये सोचते हैं कि हम दूसरे शहर में जाएंगे तो हमें कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा। एंटर कर चुके हैं, अब हम पहुँचने वाले हैं बिल्हारी। तो जैसा कि मैं आपको अपने ब्लॉग में बता रही थी कि मैं आपको कन्वेंस के बारे में बताऊंगी। तो आप जैसे रेलवे स्टेशन से आते हैं, जबलपुर बड़ी रेलवे स्टेशन से, तो आप ऑटो ले सकते हैं, टेम्पो ले सकते हैं यहाँ के लिए, और आपको ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा। मुश्किल से 100 रुपये के अंदर आपका कन्वेंस लग जाएगा, 100 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा। मनाया जाता, वैसे जबलपुर में तो सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं, गणेश चतुर्थी, दुर्गा अष्टमी। शायद आप जबलपुर से हैं तो आप जानते होंगे कि सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाते हैं, लेकिन जो जबलपुर से नहीं है वो कभी फेस्टिवल में आएंगे तो बहुत अच्छा महसूस होता है। लोग गणेश चतुर्थी और पूरे जबलपुर में घूम कर देखेंगे तो गणेश चतुर्थी के टाइम पे ऐसा लगता है कि हम कोई दिवाली जैसे दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो। लोग यहाँ कितनी भगवान को, भगवान जी को, गॉड को, अल्लाह को मानते हैं, मतलब हर त्यौहार यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा कि मुस्लिम कौन है, हिंदू कौन है, सारे मुस्लिम मिलके त्यौहार मनाते हैं, हिंदू सारे मुस्लिम के त्यौहार मनाते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर बहुत अच्छा है। बच्चे हैं तो हम उनके लिए अब चिप्स ले लें, कोल्ड ड्रिंक ले लें, तो हम चलते हैं अब कोल्ड ड्रिंक और चिप्स लेने। चलते हैं, हमने
ले लिया है, अब हम चलते हैं बच्चों के पास। हम गौर नदी पहुंच चुके हैं, जैसा कि देख सकते हैं अभी बारिश का मौसम है और देखिए पानी का बहाव कितना ज्यादा है। तो आप इस मौसम में आए घूमने के लिए मोस्ट वेलकम, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा ये जगह। गाइस हम ये वर्गी के लिए अब एंटर करेंगे, ये गौर से आप आएंगे, उसके बाद ये यहाँ से वर्गी आपको पड़ेगा 21 किलोमीटर। तो आप ये वर्गी के लिए एंटर आप यहाँ से करेंगे, अब हम सीधे जाकर वर्गी में ही रुकेंगे। तो चलिए चलते हैं वर्गी। रानी दुर्गावती की समाधि के बारे में बता रही थी, तो चलिए मैं आपको उनके बारे में कुछ बातें बताती हूँ। तो मैं आपको लेकर चलती हूँ रानी दुर्गावती की समाधि में। तो दोस्तों हम रानी दुर्गावती की समाधि पहुँच चुके हैं, आप वर्गी से थोड़ी दूरी पर है। मैं फ्रेंड्स आपको सजेस्ट करूँगी, आप वर्गी जा रहे हैं तो आप रानी दुर्गावती की समाधि पर रुक कर जरूर एक बार यहाँ का नज़ारा देखें। आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, ग्रीनरी है। आप यहाँ पर एक बार जरूर रुकें, आप यहाँ पर घूमें, आप देखिए ये रानी दुर्गावती समाधि स्थल है। और आपको यहाँ पे मौसम देखिए आप, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। इस मौसम में आप घूम सकते हैं, आप देखिए आसपास कितना अच्छा नज़ारा है। बस मैं और आपको कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बस इतना आप खुद ही समझ सकते हैं कि मैं आपको जब डिफाइन कर रही हूँ, मैं आपको यहाँ के समाधि स्थल के बारे में बता रही हूँ, तो ज़रूर कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात ज़रूर होगी कि मैं आपको इतनी डिटेल में बता रही हूँ। फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको रानी दुर्गावती की समाधि के बारे में बता रही थी, तो चलिए मैं आपको उनके बारे में कुछ बातें बताती हूँ। तो मैं आपको लेकर चलती हूँ रानी दुर्गावती की समाधि में। तो ये सामने आप देख सकते हैं रानी दुर्गावती की समाधि है। दोस्तों मैं आपको जैसे कि बता रही थी रानी दुर्गावती की समाधि के बारे में, तो ये आप देख सकते हैं रानी दुर्गावती की समाधि है। यहाँ पे कुछ लिखा है जैसे कि 24 जून 19, अरे यार हिंदी नहीं आती है। फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको रानी दुर्गावती की समाधि के बारे में बता रही थी, आप देख सकते हैं रानी दुर्गावती की समाधि। यहाँ का नेचर देखिए कितना ग्रीन है, कितना प्यारा है। ये आप पढ़ सकते हैं, ये जो उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो मैं फ्रेंड्स आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जबलपुर आए, आप वर्गी घूमने जा रहे, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इस जगह पे आप रुककर जरूर इस जगह का आनंद लें। हमने सोचा क्यों इतनी अच्छी ग्रीनरी है तो यहाँ कुछ इंजॉयमेंट किया जाए, तो हमारा लंच टाइम हो गया था, तो हमने सोचा कि लंच कर लिया जाए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चलते हैं लंच करने, फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ लंच के बाद। Thank you.
वर्गी पहुंचने वाले हैं। ओनली 4 किलोमीटर रह गए वर्गी पहुंचने में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। यहाँ का नेचर ही ऐसा ऑल टाइम 12 मंथ हमेशा आपको ऐसे ही नज़ारा मिलेगा। कभी भी गर्मी, जैसे गर्मी या ठंड में मौसम अलग नहीं होता, सब ऑल सीजन सारा मौसम नेचर आपको ऐसे ही मिलेगा। आप देख सकते हैं बस हम लोग अब वर्गी पहुंचने वाले हैं। बस कुछ ही मिनटों में हम वर्गी पहुंचेंगे। गाइस, हम वर्गी से थोड़ी दूरी पहले ही हैं। वर्गी से पहले मैं आपको एक व्यू दिखाती हूँ, जो हम वर्गी पहुँचने से पहले ही, बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। आप नज़ारा जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है। तो वर्गी से थोड़ी दूरी पहले अगर आप वर्गी आते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आए। वर्गी जाए 300-400 किलोमीटर पहले ही आपको पड़ेगा। तो आप जैसा कि नजारा जरूर देख जरूर सकते जरूर हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। और जैसे आप देख रहे हैं, आप उसमें निकी ने आपको दिखाया भी है पूरा हाँ। चारों तरफ का व्यू। ये वर्गी डैम से, सॉरी ये गलत बोल गई, 300-400 किलोमीटर 300-400 किलोमीटर दूर नहीं है, सिर्फ 400 मीटर की दूरी पे। ये बुद्धू है, इसे बुद्धू, इसको कुछ समझ नहीं आता। तो 400 मीटर मुश्किल से दूर है। चलो मैं आपको यहाँ से, इतना हाईएस्ट पॉइंट है कि मैं आपको वर्गी डैम का भी नजारा दिखाता हूँ यहाँ से। फिलहाल मैं आपको ये देखिए घुमाओ, देखिए घुमाओ जरा, चलो तो ठीक है, आप बात करो निक्की के साथ में, आपको दिखाएगी अच्छी अच्छी जगह। इसके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर इसको नोटिफिकेशन को बेल आइकन को लाइक कर दीजिएगा, घंटे पे घंटी बजा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले ब्लॉग्स आप देख सकें। और उसको प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जरूर। आपको प्लीज, बहुत प्लीज, प्लीज, आपको मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाऊंगी। और आपको सिर्फ जगह घुमाने घुमाने के ब्लॉग्स नहीं, इसके अलावा भी बहुत ही मजेदार मजेदार आपको ब्लॉग दिखाएगी। सो चलिए, आप अभी तो शुरुआत है, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दिखाऊंगी, इसलिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। हम वर्गी पहुंच चुके हैं। तो जैसा कि हमने टिकट ले लिया है, पर पर्सन 10 रुपीज़ टिकट है। और गाइस प्लीज़, बिना मास्क के आपको एंट्री यहां पे नहीं मिलेगी। तो आप कोई भी आते हैं तो विदाउट मास्क ना आए, आपको मास्क लगाना कंपलसरी है। तो फिर चलिए हम चलते हैं अंदर। अब हम एंटर कर चुके हैं, अब हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाएँगे। गाइस इस साइड है रिजॉर्ट, जहाँ पे आप रुक सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर रेस्टोरेंट भी है, कैंटीन है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी फटाफट चलते हैं, हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो हमें ब्लॉग को एंड भी करना है। तो हम आपको सब कुछ दिखाकर फिर हम, ये अंदर रिसेप्शन है, हम यहाँ एंट्री करेंगे, देन यहाँ पर बैठने की भी सुविधा है। आप जब भी आए यहाँ पे जरूर आए। तो हम चलते फटाफट अंदर चलते हैं।
गाइस देख सकते हैं आप यहाँ, ये तो पहले कुछ भी नहीं बना था, लेकिन अब धीरे धीरे ये बहुत होटल्स बन चुके हैं। तो आपको यहाँ के ठहरने के लिए रूम मिल जाएगा, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अब आप, पहले ये था कि सिर्फ यहाँ ये रिजॉर्ट नहीं बना था, लेकिन अब रिजॉर्ट भी बन गया, ठहरने का भी रूम मिल जाएगा, और यहाँ पे गार्डन है, बच्चे खेल सकते हैं, और सेफ है, सेफ है, पार्किंग है, यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क भी कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं, जैसे कल्चरी रेसिडेंसी 30 किलोमीटर, मार्बल रॉक्स, मतलब जबलपुर में कुछ जगह जो देखने लायक है उनका यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस भी है, जैसे वर्गी डैम है, टैमर फॉल है, भेड़ा घाट है, कान्हा नेशनल पार्क है, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। ये यहाँ जबलपुर में है घूमने के लिए है, तो आप देख सकते हैं, आप जब भी आए इन जगहों पे घूमें, और देखिए सामने का, आप सामने का व्यू देखिए, कितना प्यारा व्यू लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, इस मौसम में तो आप घूम सकते हैं। और सामने आप देखिए, सामने वोटिंग के लिए है, वहाँ पे अभी शायद कोविड के बाद अभी कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से वो चालू कर दिया गया, आप वहाँ पर घूम सकते हैं। चलिए मैं आपको वहाँ लेकर चलती हूँ। गाइस आप देख सकते हैं, हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, यहाँ पर वोटिंग होती है, यहाँ पे आप शिप में, आप दो तरीके से है, चाहे तो आप उसमें छोटे नाव में भी वोटिंग कर सकते हैं, देन आप इस बड़े नाव में भी वोटिंग कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी फैसिलिटी होती है, जो ये बड़ा वाला शिप है इसमें बहुत सारी फैसिलिटी होती है आपके इंजॉयमेंट के लिए, आपका, आपको यहाँ म्यूज़िक भी होगा, आप फैमिली के साथ आएंगे तो आप इंजॉय करेंगे। मेरे हिसाब से, मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे तो सबसे अच्छा ये लगता है, मुझे सबसे अच्छा ये वाला शिप लगता है, क्योंकि इसमें ना फैमिली भी आ सकती है, इसमें बच्चे भी आ सकते, ये थोड़ा सेफ होता है, इसमें हम इंजॉयमेंट कर सकते, हम वर्की का हम पूरा नज़ारा देख सकते हैं, और बहुत अच्छा प्लेस है। तो मैं तो प्रिफर करूँगी, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मैं प्रिफर करूँगी कि आप इसमें आए, क्योंकि शायद अभी ये, अभी मेरे हिसाब से ये अभी चालू नहीं है, जैसा कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे अभी लोग उस वाले में वोटिंग कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप जब भी जबलपुर आए तो आप यहाँ जरूर आए। तो गाइस ये था वर्गी, और हमने आपको वर्गी दिखाया है। तो अब मैं अपने ब्लॉग के एंड यहीं से करती हूँ। तो आप, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, आपने मेरा ब्लॉग स्टार्ट से लेकर एंड तक देखा होगा। तो गाइस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ बेल आइकन बटन दबाए। गाइस मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाती रहूँगी। अब थोड़ा रात हो गया है तो आप व्यू अच्छा नहीं आएगा, तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं यूट्यूब चैनल पे, मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगी गाइस मेरा चैनल आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करके आप मुझे बताइए कि मेरे ब्लॉग में क्या कमी थी, क्या मेरी गलती हुई है, तो मैं उस गलती को आगे करेक्ट करने की कोशिश करूँगी, और भी इम्प्रूवमेंट करूँगी, और आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाऊंगी। तो मैं अपना ब्लॉग आज यहीं एंड करती हूँ। सो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।